जिला मुख्यालय बस स्टैंड के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल के 37वें दिन भी कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तेज गर्मी के चलते हड़ताल स्थल पर मूर्छित हो रही हैं। जैसे कि सागर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहनाज वानो की तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। यही नहीं, देवरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सावित्री साहू को हड़ताल स्थल पर टक्कर लग जाने से सिर में 8 टांके आ गए, जिसे मकरोनिया के फ्रैक्चर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हड़ताल का समर्थन करने आई भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती संध्या भार्गव ने कहा कि मेरी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात हुई है, वो शीघ्र ही आपको शासकीय वेतन भोगी बनाने की पहल में लगे हुए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती तृप्ति सिंह ने हड़ताल को समर्थन देते हुए मांगों का जायज होना ठहराया। संघ की अध्यक्ष श्रीमती लीला शर्मा ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में जिला संगठन प्रमुख हेमराज आलू, विकास सिंह, कमलेश तिवारी, दुर्गा लोधी, बबीता खतीक, आकांक्षा मिश्र, प्रतिमा चौहान, लक्ष्मी नामदेव, सबिता गर्ग, आराधना गुप्ता सहित बड़ी ही संख्या में कार्यकर्ता सहायिका उपस्थित रही। सागर नरियावली से संजय तिवारी की रिपोर्ट।